दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के आरोहण पाठ से। इसमें आरोहण जो पाठ है उसका हम संक्षिप्त परिचय देंगे, लेखक का परिचय देंगे और प्रश्नों के उत्तर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करें उससे पहले आग्रह, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक भी नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखा है। संजीव द्वारा लिखी गई ये कहानी आरोहण एक पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले परिवार के जीवन संघर्ष की और प्राकृतिक संपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक परिवेश के साथ कैसे रहा जाता है उसकी कहानी है। लेकिन साथ ही साथ इस कहानी में और भी कई बातें लेखक उठाते हैं, जैसे कि पर्वतीय प्रदेश में रहने वाली समस्याओं के साथ तो वहां के लोग अपना जीवन यापन करते ही हैं, साथ ही साथ घर से कोई व्यक्ति दूर चला जाए, घर से कोई व्यक्ति बिछुड़ जाए, तो इस तरह के अवसाद, इस तरह के दुख, इस तरह की परेशानी भी उन्हें सहन करनी पड़ती है। और इस तरह की परेशानी कई बार पर्वतीय प्रदेश में रहने वाली या आने वाली आपदाओं से बड़ी समस्याएं आभासित होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां वैसे ही जिंदगी कठिन और संघर्षमय हो, वहां अपने भी जब दूर होने लगे तो यातनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस स्थिति में आरोहण यानी कि चढ़ाई करना, तो यहां सिर्फ पर्वत पर नहीं चढ़ना है बल्कि जीवन के उस गुरु शिखर की ओर जाना है जहां निश्चित रूप से अनेक प्रकार के संकट दिखाई देते हैं। तो लेखक इस कहानी में आंचलिकता की बात करता है, आंचलिक शब्दों की बात रखता है, लोक जीवन की परिवेश की बातों को इस पाठ के माध्यम से उठाता है, जो निश्चित रूप से कई मायने में रोचक हो जाती हैं, प्रभावी हो जाती हैं, पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं और एक संवेदनात्मक लास्ट में बात लेखक कहता है तो कहानी अपने से बांधे रखती है पाठकों को। कहानी का उद्देश्य यह भी है कि जीवन एक संघर्ष है और चलते रहना है, चाहे आप कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, उस संघर्ष से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे मुकर नहीं सकते। प्रेम की अवधारणा को भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, आपको बहुत सारी चीजों के लिए त्याग करना पड़ता है, प्रेम का त्याग करना पड़ता है, परिवार का त्याग करना पड़ता है, रिश्तों का त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों को इस कहानी में आरोहण के माध्यम से इस कहानी के लेखक संजीव ने उठाया है। अब हम बात करते हैं कहानी के लेखक के बारे में। कहानी के लेखक संजीव एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही हम बात करें सबसे पहले संजीव के जन्म को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव, सुल्तानपुर जिले के बांगरकला गांव में आपका जन्म हुआ और समकालीन कहानी लेखन में विशेष नाम संजीव का लिया जाता है। हंस, कथादेश वगैरह जैसी पत्रिकाओं में लगातार आपकी कहानियां प्रकाशित होती रही हैं
और हंस के तो आप कार्यकारी संपादक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आपके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, आपने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि कुछ उपन्यास आपके हैं रानी की सराय, किशनगढ़ का अहेरी सर्कस, जंगल जहां शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार, सूत्रधार आदि। आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत, मुक्ति आदि। संजीव की कहानियों में, उपन्यास में अर्थात उनके लेखन में एक विशेष बात यह है कि वो आंचलिक भाषा का प्रयोग और प्रभाव लगातार अपनी लेखनी में दिखाते रहते हैं, और ये उनकी इनके लेखन की एक रवानगी है, पाठक उसके साथ बनता हुआ चला जाता है उस लोक के परिवेश के कारण। सटीक भाषा का, सटीक शब्दों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, उसकी पहचान भी संजीव जैसे रचनाकार को है, और अच्छी कहानियां और श्रेष्ठ कहानियां लिखने के साथ साथ प्रभावी और कारुणिक कहानियां लिखने में भी आप सिद्धत हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आरोहण कहानी के प्रश्नोत्तरों को बात करते हैं। पहला प्रश्न है, यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व, झिझक क्यों घेरने लगी? रूप सिंह घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि चुपचाप बिना बताए घर से चला गया था। प्राय लोग नौकरी की तलाश में घर छोड़कर जाते हैं, वे ये कार्य सर्वसम्मति से करते हैं। रूप सिंह जब छोटा था तो उसने अपने पिता भाई को कुछ नहीं बताया और एक साहब के साथ चला गया। आज वे बहुत वर्षों के बाद घर को लौट रहा था, 11 वर्ष बाद। यहां आने पर जहां उसमें अपनत्व की भावना थी, वहीं उसे अपने इस कार्य के कारण शर्म आ रही थी, भाग जाने के कारण। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह घर वालों को क्या बोलेगा, अतः उसके मन में झिझक की भावना भी विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। तो पत्थर की जाति से लेखक का आशय पत्थर के प्रकार से है। बहुत किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे ग्रेनाइट, ये बहुत सख्त पत्थर होता है, इसकी चट्टान भूरी होती है लेकिन उसमें गुलाबी आभा होती है। बसाल्ट, इस पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। बलवा पत्थर, ये बालू से बना होता है, लाल किला आदि इमारतें इसी पत्थर से बनी है। संगमरमर, यह चूना पत्थर के बदलने से बनता है, ये मुलायम होता है। परतदार पत्थर, ये बारीक कणों के रूपांतरित शैलों से बनता है। महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था? महीप जान गया था कि रूप सिंह रिश्ते में उसका चाचा है। रूप ने रास्ते में कई बार भूप सिंह और शैला के बारे में बात की थी, वह कुछ कुछ समझ गया था कि रूप सिंह कौन है। वह उसे अपने विषय में बताना नहीं चाहता था और न ही अपने विषय में कोई बात करना चाहता था। अतः जब भी रूप सिंह महीप से उसके विषय में कुछ पूछता था तो वह बात को टाल देता था। वह अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को बताना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री घर में लाने के कारण आत्महत्या कर ली थी, इससे वह दुखी था। उसने इसी कारण अपना घर छोड़ दिया था। दूसरा, महीप अपने काम से काम रखना चाहता था, उसका स्वभाव इस तरह का बन गया था। बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसे नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ पर चढ़ना आम बात है, यह उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। उसके लिए उन्हें किसी प्रकार की नौकरी आज तक मिलते नहीं देखा था। जब बूढ़े त्रिलोक को रूप सिंह ने बताया कि वह शहर में पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है तो वह हैरान रह गया। उसे इस बात की हैरानी थी कि रूप सिंह जिस नौकरी की इतनी तारीफ कर रहा है वह बस पहाड़ पर चढ़ना सिखाना है। इतनी सी बात के लिए उसे 4000 रुपए महीना मिलते हैं। उसे लगा कि सरकार मूर्खता भरा काम कर रही है, इतने छोटे से काम के लिए 4000 महीना वेतन के रूप में मिलने वाली बात उसे हैरान करने लगी। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? रूप सिंह ने पहाड़ पर अवश्य चढ़ना सीखा था, परंतु उसका चढ़ना भूप सिंह के समान नहीं था। वह रस्सियों तथा अन्य सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था। उसने बिना किसी संसाधन के चढ़ाई करना नहीं सीखा था। भूप सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था, पहाड़ों पर रोज कई कई बार चढ़ना उतरना उसका रहता था। इसके लिए वह रस्सी या अन्य किसी सामान का सहारा नहीं लेता था। वह दुर्गम चढ़ाई भी सरलता से चढ़ जाता था।
इसके विपरीत रूप सिंह के लिए ये कार्य असाध्य था। अपने भाई के घर जाने के लिए उनके भाई भूप सिंह ने उनकी सहायता की। भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे के चढ़ना देखकर वह स्वयं को उनके आगे बोना महसूस करने लगा। उसका संघर्ष स्वयं पर गर्व समाप्त हो गया। शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। भूप ने सबसे पहले वह मलबा हटाया जो भूस्खलन के कारण आया था। शैला और भूप दोनों ने मिलकर खेतों को ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें